हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन टिप्स के बारे में। काफ़ी जो नॉलेज होती है, जो पार्ट्स होते हैं, मैं हाउस कंस्ट्रक्शन टिप्स लेकर आता रहता हूँ। और जो पिछला पार्ट चल रहा था हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन नॉलेज, कि आपको जो घर है वो स्टेप टू स्टेप कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो घर कैसे बनाते हैं उसके लिए भी नॉलेज हमें सीखना चाहिए। और दूसरा, हमें हाउस कंस्ट्रक्शन टिप्स जो होती है, मिनिमम हमें क्या होना चाहिए, हम प्लास्टर जब हम कैसे करते हैं, उसमें क्या मोटर हमें लेना चाहिए, उसमें क्या रेशियो लेना चाहिए, हमें प्लास्टर अंदर या बाहर जब हम करते हैं तो उसमें थिकनेस क्या रहनी चाहिए, अगर हम 14 इंची की चुनाई करते हैं तो उसमें क्या दोनों तरफ ही हमें धागा बांधना चाहिए, या फिर हम फुटिंग लेते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करनी चाहिए नहीं चाहिए, हमें घर बना रहे हैं तो उसमें डोर कौन सा लगाएं, एल्यूमिनियम का लगाएं या फिर हम MS का लगाएं या फिर वुडन का लगाएं, तो क्या अच्छा रहता है। तो काफ़ी टिप्स हैं मैं इस वीडियो के अंदर, जो सीरीज हमारी इसमें चलती रहेगी, हम इसमें सिखाते आपको रहेंगे। तो इसमें हमें सीखते हैं छज्जा, मेन जो आपका पार्ट होता है छज्जा, जिसको आप बोलते हो सनशेड। तो उसमें आपने देखा होगा जो सनशेड का प्लास्टर करते टाइम छज्जे में हम क्या करते हैं, आपकी जो विंडो हो जाता है, ये आपकी इसमें आप विंडो प्रोवाइड करते हो, ये आपका विंडो हो जाता है, जैसे कि आपकी ये विंडो गई, जबकि विंडो गया तो इसमें जब लिंटर बीम आप प्रोवाइड करते हो, लिंटर बीम आप प्रोवाइड करते हो तो ये आपका बियरिंग होता है। बियरिंग क्या होता है, ये वाला साइड, तो ये मिनिमम 4 इंच आपको रहनी चाहिए, ये आपका मिनिमम 4 इंच रहना ही रहना चाहिए आगे, ठीक है, जो लिंटर आप प्रोवाइड करते हो। तो उसमें जब छज्जा आपने बाहर निकाला, जब आपने इसको छज्जे को आपने बाहर निकाला तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी, तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी मिनिमम 1 फीट होनी ही होनी चाहिए, 1 फीट मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद हम 2 फीट एज पर रिक्वायर्ड आप ले सकते हो। तो इसमें आप जो रहते हो, अपने जो फुटिंग लेना आपको, ये जब कोई फुटिंग लेते हो इसमें जो ये ऐसे होता है, इसमें क्या करना है, टेपर, तो इसमें ही आपको इस तरह से आपको ये टॉप है, ये टॉप का जो टेपर कर देना है। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आप इसमें ऊपर से बारिश आती है तो इसमें आपको छज्जे में क्या करना है कि जो प्लास्टर कहते हो, ये तो आपका कंक्रीट में इस तरह से आपको स्लो बना देना है, ठीक है। ये आपका मिनिमम आपको रखना है 2 इंची, मिनिमम 2 इंची आपको सफिशियंट है, 2 इंची रख लेंगे। और जो बैक साइड होता है, ये वाला जो एरिया रहेगा, ये आपका 3 इंची मिनिमम सफिशियंट रहता है, 3 से 2.5 इंची, ताकि पानी का जो है स्लोप रहेगा और आसानी से बाहर आसानी से निकलता रहे। तो इसमें आपको प्लास्टर करते टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ग्रूव बना देते हैं, ये आपने इस तरह से बनाया, इस तरह थोड़ा बनाने के बाद इस तरह से ये जो ये प्लास्टर में जब बनाते हैं इसको बोलते हैं ग्रूव। इससे ये इफेक्ट होता है, जब भी आप पानी इसमें डालता है, जब भी इसमें पानी ऊपर से डालता रहता है तो पानी आने के बाद काफ़ी होते हैं, नीचे से जाने के बाद काफ़ी नीचे नीचे आता है, इस तरह से बढ़ता रहता है पानी छज्जे के नीचे साइड में पानी बढ़ जाता है, ये वाला इफेक्ट करता है। इसमें पानी जब टपके टपके जाएंगे काफ़ी, तो यहाँ बढ़ता रहेगा, फिर आगे बढ़ता, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ पर जाकर नीचे गिरता रहेगा। तो इस बेस पर यहाँ पर प्लास्टर के टाइम पर ये ग्रूव बना देना चाहिए। सेकेंड इज, जब भी आप विंडो आपने बनाई, विंडो आपने बनाने के बाद जो आपने छज्जा बनाते हो इस तरह से, ये आपका जो प्लास्टर, जब इसमें प्लास्टर करते हो, जब भी बारिश का मौसम, बारिश आती है ऊपर से बारिश आने के बाद, जब भी आप प्लास्टर करते हो, प्लास्टर में आपने क्या करना है कि जो सिंपल ये होता है, ये क्या है, ये इस तरह से टपक बना देना है। ये क्या रहेगा आपकी, 1 इंची से 2 इंची मिनिमम होनी चाहिए, 1 इंची से 2 इंची, मतलब 1 इंची भी रख सकते हो या फिर 2 इंची सफिशियंट रहता है आपकी, 1 इंची बना दीजिए। तो इसमें क्या करना है कि एक जो फट्टी होती है, ये फट्टी होती है 10 mm या 20 mm की, जब आपने प्लास्टर बॉटम में कर दिया, बॉटम में प्लास्टर करने के बाद जब ये आपको जो टबक बनानी है, सिंपल क्या करना है, सीमेंट पेस्ट से ही बनाना है या फिर सीमेंट मोटर 1x1 का, एक सीमेंट लेना है, तसला सीमेंट लेना है, एक तसला आपको सीमेंट रेत लेना है, रेता या फिर मजापुर तो मुश्किल है, ठीक है, तो एक रेता लेना है। तो ये आपका जो इस तरह से टक बना देना है, इससे क्या होगा, जब भी आपकी बारिश आएगी, बारिश आने के बाद यहाँ से पानी जाएगा और इधर से आपको नीचे गिर जाएगा, इस तरह से बारिश आएगी, इधर से नीचे गिर जाएगा। तो मेन सफिशियंट आपको छज्जे में जब भी आप बनाए थोड़ा टेपर कर लें, या फिर प्लास्टर में भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा आपको ग्रूव बनाना है, ये चीज़ ग्रूव बनाएं या फिर इसमें ये टपक बनाएं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।